हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो लुक देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोग के साथ कियारा आडवाणी का अभियोग कियारा मल्होत्रा हो गई है उनका रिसेप्शन मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा था रिसेप्शन में कुछ अच्छा सा, मतलब एक होता है ना कि कुछ अच्छा सा रेड वेड या फिर कुछ, मतलब मेरी जो सोच थी वो थोड़ा सी अलग थी, बट उन्होंने कुछ इस तरीके का ड्रेस पहना हुआ था। मेरे पास ए वाली सीन की है, कब से पड़ी हुई थी और इसको मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया हुआ था, जो कि दोनों ऐप हमारे यहाँ बैन हो चुके हैं, लेकिन थैंक गॉड चलो लुक क्रिएट करने में काम आ गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक, आप लोग लाइक नहीं करते हो। अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पर कियारा के जैसे दिखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही, लेकिन हाँ उनका लुक काफी ज्यादा नेचुरल फ्लॉलेस लग रहा था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। जस्ट बिकॉज मेरे पास ना मिलता जुलता ड्रेस भी था तो मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। कैसे लगा लुक कमेंट में बताना, ज्यादा बातें ना करते चलो देखते कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। कियारा के रिसेप्शन लुक को क्रिएट करने से पहले, लुक काफी ज्यादा फ्लॉलेस है आप देख सकते हो, क्रिएट करने से पहले मैं क्या करूंगी, मेरे फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी, फेस वॉश यूज करूंगी। तो इसको अच्छे से बेथ करना है। मैं यहाँ पर यूज करूंगी है बायोडर्मा का एटोडर्म इंटेंसिव जेल मुसेंट क्लींजर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा क्लींजर है। इसे यूज करने के बाद हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो विजिबल होता है, सो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छा है। तो एक काम करती हूँ, इसका टेक्स्चर जेल लाइक है, जैसा कि जेल मुसेंट क्लींजर है। तो जब तक मैं क्लींजर यूज करूँ आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी बायोडर्मा एटोडर्म इंटेंसिव जेल मूसेंट क्लींजर के बारे में, चलो आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देती हूँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। एटोडर्म इंटेंसिव जेल मूसेंट इज़ अ सॉफ्ट प्यूरिफाइंग क्लींजिंग जेल, अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक एंटी इचिंग क्लींजर है। एटोडर्म इंटेंसिव जेल मूसेंट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, और इसकी प्राइस है ओनली 599। अगर आपको ना इरिटेशन की प्रॉब्लम है तो सूथ सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन, ये तुरंत ना आपको उससे रिलीफ दिलाएगी, जेंटली क्लींजेज एंड रिपेयर स्किन बैरियर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम क्यूटनाइज ड्राइनेस, रिस्पेक्ट द स्किन बैलेंस थैंक्स टू सुपर फाइटिंग क्लींजिंग बेस एंड एटोडर्म इंटेंसिव जेल मूसेंट सूथन सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन एंड हेल्प बायोलॉजिकली स्ट्रेटन द स्किन बैरियर, वेरी गुड टॉलरेंस, नॉन कमेडोजेनिक है। पर एक टोनर यूज कर रही हूँ, बायोडर्मा के जितने भी प्रोडक्ट हैं मेड इन फ्रांस हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। टोनर के बाद सीरम, जब तक सीरम अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है मैं मेरी आईब्रो फिल कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की, तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर बायोडर्मा का एटोडर्म क्रीम यूज कर रही हूँ। ये हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है और काफी ज्यादा नरिशिंग क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। इसे आप अपने बेबी को भी यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी जान लें। फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम की, एटोडर्म क्रीम इज़ अ अल्टर नर्सिंग एंड प्रोटेक्टिंग डेली केयर मॉइस्चराइजर, एटोडर्म क्रीम इज मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस, इमीडिएटली एंड लास्टिंगली मॉइस्चराइजर प्रोवाइड डीप हाइड्रेशन फॉर 24 आवर्स, मेरी ऐसी ही फेवरेट नहीं है, इसे लगाने के बाद मुझे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहती है, प्रोवाइड सॉफ्टनेस सपलनेस एंड स्मूथ टेक्स्चर टू द स्किन फॉर द फर्स्ट अप्लीकेशन, वेरी गुड टॉलरेंस, नॉन कमेडोजेनिक, अनफ्रेग्रेंस्ड है एंड रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड, इट कंटेन्स विटामिन पीपी विच बाय स्टिमुलेटिंग एनास्थेसिस ऑफ लिपिड्स हेल्प्स स्ट्रक्चर्स द स्किन बैरियर, द स्किन प्रोटेक्ट कॉम्प्लेक्स कंटेंस विटामिन पीपी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू सुगर्स फिजिकली एंड बायोलॉजिकली रिक्रिएट्स ए हेल्दी स्किन बैरियर एंड हेल्प्स मेंटेन द स्किन वाटर रिजर्व्स, और इसे यूज कर सकते हैं नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन वाले, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये है इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, प्राइमर विंटर के लिए अच्छा है।
प्राइमर के बाद मैं यहाँ पर कंसीलर यूज कर रही हूँ क्योंकि कियारा का जो फेस है काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेकअप नहीं किया है, लेकिन जो मेकअप है वो नो मेकअप मेकअप है, मेकअप है बट नो मेकअप लुक है। पिछले वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि टू मच मेकअप, तो भाई ब्राइडल मेकअप है टू मच होगा ही, बट हमारे पास कियारा जितना अच्छा ना कैमरा नहीं है कि मैं अच्छे से उसको फ्लॉलेस दिखा पाऊँ। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रहे हैं। थोड़ा सा ब्लश ले रही हूँ, लिक्विड ब्लश। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना बहुत फ्लॉलेस लुक आता है। जो बच्चा है उसको आईज पे फिंगर की हेल्प से कॉम्पैक्ट लेना है, आईज के नीचे बस हल्का सा इसे सेट कर लेना है। फॉल्सीज लगा ले रहे हैं। स्मच कर ले रहे हैं। ब्राउन कलर लेंगे, ब्राउन कलर, और आइज के नीचे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा स्मच करना है। पर हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर तो मेन है, इससे ग्लो आएगा। अब न्यूड लिपस्टिक लगा ले रहे हैं। ज्वेलरी पहन ले रहे हैं। हमारा आज का लुक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा फेस काफी ज्यादा ग्लोई ग्लॉसी नेचुरल लग रहा है ना। क्या होता है ना कि जब भी आप मेकअप करना स्टार्ट करते हो, अगर आप मेकअप के ऊपर तुरंत स्किन केयर या फिर ऐसे मेकअप लगा रहे हो, थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रहे हो, तो बाद में ड्राई पैचेस आ जाते हैं। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, हर एक स्टेप के बाद थोड़ा सा टाइम देती हूँ। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। सो अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप सबने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे अच्छे से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।